नमस्कार। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। सूर्य कुमार यादव को भारतीय T20 टीम की कप्तानी मिली है। बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज 23 नवंबर से होगा। और यह भी बता दें कि हार्दिक पांड्या फिलहाल टखने की चोट से जूझ रहे हैं, ऐसे में उनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस 5 मैचों की T20 सीरीज में खेलना नामुमकिन है। हार्दिक पांड्या की जगह टीम इंडिया के एक विस्फोटक बल्लेबाज को T20 की कप्तानी मिली है। सूर्य कुमार यादव को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विशाखापट्टनम में 23 नवंबर से होने वाले 5 मैच की T20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए सोमवार को भारतीय T20 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। भारत को हराकर वनडे वर्ल्ड कप चैंपियन बने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ मेजबान टीम के उपकप्तान होंगे। भारत ने वर्ल्ड कप टीम में शामिल सिर्फ 3 खिलाड़ियों को T20 सीरीज के लिए चुना है, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव शामिल हैं। श्रेयस अय्यर हालांकि रायपुर और बेंगलुरु में होने की वजह से अंतिम 2 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए टीम से जुड़ेंगे और वह गायकवाड़ की जगह उपकप्तान की भूमिका निभाएंगे। और भारत की T20 टीम में शामिल नाम है सूर्य कुमार यादव कप्तान, ऋतुराज गायकवाड़ उपकप्तान, ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा विकेट कीपर, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुमे, रवि विश्नोई, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और मुकेश कुमार। धन्यवाद।